नमस्कार बच्चों, कक्षा चौथी में अब आप गुल्लक के सवाल में से रुपए पैसे को जोड़ना सीख चुके हैं। चलो अब आपकी बुक के पेज नंबर 83 पर, ये जो मन्नू और पंकज पापा के साथ मेले में गए, उन्होंने वस्तुएं खरीदी, वस्तु दे रखी कीमत दे रखी है। सैंडल खरीदा कितने रुपए में? 300 रुपए में। आप मेरे साथ साथ गणित की किताब निकाल लें और वीडियो को देखते रहें और गणित की किताब में से सवाल करें, क्योंकि आपकी क्लासें तो लग नहीं रही, अब आपने घर से ही पढ़ना है ना, तो इसलिए मेरे साथ साथ अपने पढ़ाई का काम करें। जर्सी 250 रुपये, जलेबी 80 रुपये, खिलौना कार 125 रुपये, कपड़े 276 रुपये। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो आपकी किताब के अगले पेज पर दी गई है। सैंडल की कीमत जर्सी की कीमत से कितनी अधिक है? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सैंडल 300 रुपये की है, सैंडल कितने रुपये की है? 300 रुपये की, और जर्सी 250 रुपये की, तो कौन सी कीमत अधिक है? सैंडल की कीमत अधिक है ना, कितनी अधिक है ये बताना है आपने। 300 अधिक है 250 से, कितना अधिक है? कितना अधिक का पता कैसे लगेगा बच्चों? घटा कर लगेगा। तो 300 में से हम 250 घटा देंगे, ये घटाना आता है आपको। यहाँ जीरो में से जीरो जीरो, यहाँ जीरो में से पाँच हम नहीं घटा सकते तो हासिल लेंगे 10, और यहाँ बचेगा 2। अब 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, तो ये 50 रुपये अधिक है। यानी कि सैंडल की कीमत जर्सी की कीमत से 50 रुपये अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आ गया। कपड़े और खिलौना कार पर कुल कितने रुपए खर्च किए? अब देखो कपड़ों पर कितने खर्च किए उसने? 275 रुपये, खिलौना कार पर 125 रुपये। तो दोनों पर निकालना कुल मिलाकर कितने खर्च किए, तो क्या करेंगे? दोनों को हम जोड़ देंगे, आप खुद ही जोड़ सकते हैं। पापा ने कुल कितने रुपये खर्च किए? देखो सभी चीज़ों में खर्च निकालना है, तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए बच्चों क्या करेंगे, चलो मैं कराता हूँ क्वेश्चन को उसको। ये 300 रुपये यहाँ खर्च किए, इनको साफ साफ लिखेंगे। 250 रुपये यहाँ खर्च किए, 80 रुपये, 80 रुपये को ऐसे लिखेंगे क्योंकि 100 होता है 100 की लाइन में लिखते, 100 नहीं है तो 80 ऐसे लिखना आपने। 125 रुपये खर्च किए और 275 रुपये खर्च किए, तो सभी को जोड़ दो। जोड़ना आपको आता ही है, 5 और 5 10, 10 की 0, ऊपर लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 2 2 और 3 5 और 2 7, और 1 8 और 2 10, 1030 रुपये उसके पापा ने कुल मिलाकर खर्च किए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, पापा के पास 1200 रुपये थे। पापा के पास कितने थे? 1200 रुपये, और 1030 उसने खर्च कर दिए। अभी निकाला था ना हमने यहाँ पे 1030, तो बताओ उसके पास कितने रुपए बच गए? ये ऐसे था ना हमारा, अब कितने बच गए? घटाएंगे इसको, अब सुनने में सुनने, यहाँ हासिल ले लेंगे 10, यहाँ बचेगा 1, 10 में 7 गया 3, 170 रुपये बच गए। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1030 में 70 जोड़ेंगे तो 1100, फिर 100 और आगे 1200, तो 170 रुपये उसके पास बच गए। इस प्रकार भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना आप, एक क्वेश्चन हो रही है। माँ ने लक्ष्मी को 500 रुपये दिए, कितने रुपये दिए? 500 रुपये दिए, और करियाना स्टोर से सामान लाने के लिए भेजा। सामान खरीदने पर दुकानदार ने लक्ष्मी को यह बिल दे दिया उसने, बिल संख्या 24। देखो ये बिल है ना, क्रमांक, वस्तु का नाम, रेट, रेट किलो में है, यानी कि चावल 1 किलो का रेट कितना है? 60 रुपये, तो उसने कितने किलो खरीदे हैं? 2 किलो, तो जब 1 किलो चावल 60 रुपये के आ गए बच्चों, तो 2 किलो कितने के आएंगे बताओ, सोचो। 1 किलो 60 के, 2 किलो 60 और 60, 120 के, तो यहाँ पर 60 जमा 60, इसको 60 को 2 से गुणा भी कर सकते हैं आप, 120 रुपये के आगे। हल्दी 20 रुपये प्रति 100 ग्राम, और खरीदी भी 100 ग्राम है तो 20 की आ गई ना। दाल 90 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम दाल खरीदी तो ये 90 रुपये की आ गई। नमक 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 2 किलो नमक खरीदा है, 2 किलो खरीदा ना बच्चों, 1 किलो 15 का और 1 किलो 15 का, तो 15 और 15 30, 2 किलो आ गया 30 रुपये का। चीनी खरीदी 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और खरीदी कितनी? 3 किलो, तो 1 किलो 30 की, 2 किलो 60 की, 30 किलो, 3 किलो 90 की, 30 30 60 30 3 90, तो 90 रुपये की चीनी खरीदी। कुल कितने रुपये खरीदे? क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, 0, 2 और 2 4, 4 और 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 3 13, और 3 16, और 9 25, 2 2 और 1 3,
350 रुपये का उसने सामान खरीद लिया। लक्ष्मी ने सबसे अधिक रुपए किस वस्तु के लिए चुकाए और कितने? देखो सबसे अधिक रुपए किस वस्तु को चुकाए, 120 रुपये सबसे अधिक है ना, तो चावल पर सबसे अधिक रुपए उसने खर्च किए। लक्ष्मी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? 350 रुपये का सामान खरीदा। लक्ष्मी ने दुकानदार को 500 रुपये दिए, तो कितने रुपए दिए उसने? 500, तो उसने खर्च कर दिए 350, तो बाकी बचाओ कितने बच गए? घटा लेंगे, घटाना आपको आता ही है, 0, यहाँ से ले लेंगे 10, 4, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 150 रुपये बचेंगे। ये बड़ा आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ मैच देखें। मधु और मोहित क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ गए। उन्होंने टिकट काउंटर से टिकट खरीदे। नीचे दी गई सूचना के आधार पर प्रत्येक टिकट का मूल्य ज्ञात करो। मधु ने 600 रुपये के 4 टिकट खरीदे। ये यहाँ समझने वाली बात है बच्चे, मधु ने 600 रुपये के 4 टिकट खरीदे, यानी कि 4 टिकटों की कीमत कितनी है? 600 रुपये, तो 2 की कितनी आएगी? आधी कर देंगे उसमें से, तो इसको बांट देंगे हम, 4 बच्चों में बांट देंगे बराबर बराबर। बांटना कैसे करते हैं? बांटना आप सीख ही चुके हैं, बांटने का अर्थ होता है भाग करना। अब 600 को 4 बच्चों में हम कैसे बांटेंगे? देखो दिखाओ, ध्यान से देखना आपने, 600 को हम 4 से भाग कर देंगे। भाग आप सीख ही चुके होंगे, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, ऊपर उतारे 0, 20 हो गए ना, 4 पंजा 20, 0 ऊपर से उतार लिए 0, 4 0 0, 150 रुपये आ गए। तो इस प्रकार से प्रत्येक टिकट का मूल्य 150 रुपये आ गया। मोहित ने 750 रुपये के 5 टिकट खरीदे, तो यहाँ पर कितने खरीदे? 750 को 5 में बांटना है, यहाँ पर निकाल लेंगे 5 एकम 5, 2 बच गया, ऊपर से उतार लिया 5, 25 हो गए ना, 5 पंजो 25, 5 0 0, तो इस प्रकार से उसने भी 150 रुपये के टिकट खरीदे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधु मोहित और उसके दोस्तों को मैच देखने के लिए भूख लगी। वे सब एक ढाबे पर गए और उन्होंने ये चीज़ें खरीदी, जूस खरीदा, आइसक्रीम खरीदी, सूप खरीदा, चावल, रोटी, सब्जी, दाल। मधु और उसके मित्रों का अनुमानित बिल क्या होगा? अब देखो मधु ने ये चीज़ें खरीदी हैं, 6 रोटी खरीदी। मधु और मोहित का बिल तैयार कर रहे हैं, मदद करें, जो मधु ने वस्तुएं खरीदी हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सूप लिखा हुआ है, मात्रा यहाँ लिखी हुई है, रेट आप देखकर लिखेंगे। क्या रेट है रोटी का? देखो ये रहा 12 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 12 रुपये। एक रोटी का मूल्य है ना, और 6 रोटी कितना आएगा? 1 का 12 2 का 12 12 12 14 12 को 6 से गुणा कर देंगे बच्चों, आप अपनी कॉपी पर करेंगे, 12 गुणा 6 12 6 72 रुपये आएगा, तो ये यहाँ कितना लिखेंगे आप? 72 रुपये। इसी प्रकार चावल का मूल्य देखेंगे, ये चावल का मूल्य कितना है? ये चावल का 30 35 रुपये, ये लिख देंगे 35 रुपये। और कितनी प्लेट खरीदी? 2 प्लेट खरीदी ना, तो 1 प्लेट 35 की, 2 प्लेट कितने की आएंगी? 35 और 35 कर लेंगे आप, 70 रुपये की आएगी। सब्जी कितने की आई? देखो यहाँ पर देखे सब्जी का रेट, ये रहा 70 रुपये। सब्जी खरीदी कितनी उसने? 1 प्लेट ही खरीदी है, 70 ही आएगा। दाल 2 प्लेट खरीदी, और दाल का रेट कितना? 48 रुपये, 1 प्लेट का 48 है ना, तो 2 कितना आएगा? 48, और 48 को जोड़ लेंगे 2 पर, या 2 से गुणा कर देंगे, 96 रुपये आ जाएगा, यहाँ पर आप 96 रुपये लिख देंगे, पूरे 96 आएगा। सूप 4 खरीदे, और सूप का रेट कितना है? 35 रुपये, सूप का रेट ये रहा ना 35 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 35 रुपये, और 4 सूप का गुणा करके 140 रुपये आपका पास आ जाए। कुल मिला के इनको जोड़ लेंगे, 2 और 6 8, 7 और 7 14, और 7 21, 21 और 30, 30 और 4 34, 3 और 1 4, ये इतने कुल बिल आ गए उसका। मधु का वास्तविक बिल 448 रुपये है। इसी प्रकार से आप मोहित का बिल निकाल देंगे, और फिर ये रुपये पैसे जोड़कर आप हिसाब लगाएंगे अपने किताब में से ही। आज के लिए बच्चों इतना ही, मेरी वीडियो देखते रहिएगा और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, खेल खेल में बड़ा मज़ा आएगा आपको।